हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गूगल शीट पर एज कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, आप देखिए यहाँ पे कुछ यात्रियों के नाम हैं, ये राम, श्याम, सचिन, जावेद, टिल्लू, मिल्लू, सिल्लू, जो भी हैं ये कुछ यात्री हैं जिनको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यानी कि फ्रॉम यानी कि शुरुआत वाला स्टेशन और डेस्टिनेशन इनका यहाँ तक है, तो इनको जाना है, उनकी एज लिखी हुई है। अब ये तो चार पाँच नाम है, दस नाम है, इतने कम नाम को अगर हमें एज देखना हो तो यहाँ देख करके बता सकते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसका टिकट नहीं लगेगा, इनका टिकट लगेगा, इनका लगेगा। लेकिन हमको इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, गूगल शीट पे वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान बनाइएगा, लगाइएगा इफ, लगा दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इस एज को सेलेक्ट कर लीजिए और इक्वल टू देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5 कॉमा चाइल्ड, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, तो वो हो गया चाइल्ड, ठीक है, कॉमा, फिर इफ लगाइए। अब इस वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम लेस देन ही लगाते चलेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन ना लगाकर क्या लगाएंगे, लेस देन, तो लेस देन और इक्वल टू कितना, 18, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां मैं लिखता हूं, सपोज कीजिए मैं लिख देता हूं बॉय, ठीक है, ये लिख दिया हमने इफ, फिर इफ लगाया हमने, फिर इस सी वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, लेस देन और इक्वल टू कितना कर देंगे, अब ये लेस देन और इक्वल टू था, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, कॉमा देंगे अडल्ट, ये लिख दिया अडल्ट हमने, ठीक है, फिर कॉमा देंगे, और अगर ऐसा ना हो तो देखिए इफ जो फॉर्मूला होता है एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है, और लास्ट में यहां पर हमें क्या देना है, लास्ट में दो वैल्यू, कोई वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इफ दो ही कंडीशन बताता है, तो दूसरी कंडीशन, अब यहां पे तो एक कंडीशन लगा दिया, देखिए ये इफ है, यहां से इफ फॉर्मूला चालू होता है, तो ये एक कंडीशन तो लग गई अडल्ट वाली, लेकिन दूसरी कंडीशन लास्ट में अगर इन सब में से भी कोई वैल्यू फॉलो ना करती हो तो यहां पर आ जाएगा सीनियर सिटीजन, यानी कि 60 हो जाए तो क्या हो जाएगा, सीनियर सिटीजन, इनमें से कोई वैल्यू फॉलो ना करे, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, यहां प्रॉब्लम है, कितना है, 1 2 3, तीन ही है, तो यहां 3 लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां देखिए ये चाइल्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं यहां पे चाइल्ड आ रहा है, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इनकी जो एज है यहां पे अडल्ट आ रहा है, तो अडल्ट क्यों आ रहा है, आइए इसको समझते हैं एक बार, यहां पे मैं फॉर्मूले को एडिट करता हूं, ये देखिए यहां पे हमने लगाया लेस देन, यहां पे देख सकते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे ग्रेटर देन ना लगा करके हम लेस देन ही लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें लेस देन लगाना है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 59, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 59 दे दिया हमने, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ऐसा हो तो अडल्ट हो जाए, अदरवाइज सीनियर सिटीजन हो जाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आप कि यहाँ पे चाइल्ड आ रहा है, सारे इक्वेशंस हमारे सही हो गए, देखिए यहाँ पे चाइल्ड है, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति जो भी है राम, ये अगर 77 साल का हो यानी 77 ईयर का, तो यहाँ पे अपने आप सीनियर सिटीजन आ जाएगा, देख सकते हैं आप, अगर ये बॉय है, ठीक है, यहाँ पे बॉय आ रहा है, ठीक है, इसकी एज हम घटा करके कर दें 2 साल, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम एज की कैलकुलेशन करके स्टेटस पता कर सकते हैं कि ये सीनियर सिटीजन है कि क्या है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम कॉलम्स बना लेते हैं, कॉलम्स बनाने का काम हम यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर्स, ठीक है, तो यहाँ से बॉर्डर्स बना सकते हैं और यहाँ से कलरफुल बॉर्डर बना सकते हैं, ये गूगल शीट में सुविधा है, तो यहाँ पर आप कलरफुल बॉर्डर भी बना सकते हैं, तो यहाँ से पकड़िए और आइए आप कलरफुल बॉर्डर बना लेते हैं हम, तो देखिए ये कलरफुल बॉर्डर लग गया, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए यहाँ से चेंज कीजिए, ये सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे
इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए कलरफुल कलर चेंज हो गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, और ये फॉर्मूला भी ज़रूर समझ में आया होगा आपको। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आप मिडिल अलाइन कर सकते हैं। देखिए सेंटर अलाइन तो हो सकता है, मिडिल अलाइन भी हो सकता है। कैसे होगा मिडिल अलाइन, कैसे होगा ये ध्यान दीजिए, इन सारे को सेलेक्ट कीजिए, इन सबको हमें मिडिल में करना है। देखिए ये नीचे है, देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये वर्टिकल अलाइन, यहाँ पे आइए और ये देखिए यहाँ पे बीच में जाइएगा तो ये सब कुछ बीच में हो जाएगा, सारे जो आपके ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया, बीच में हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसको हम मिडिल अलाइन कर सकते हैं, मिडिल में हो गया सब कुछ, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।